नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के कंप्यूटर के सैंपल पेपर के बारे में। ये दोस्तों, ये जो वीडियो है वो स्पेशली इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए है जिन्होंने यूपी बोर्ड में अपने पेपर देने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को चुना है। दोस्तों, इससे पहले मैं हिंदी मीडियम छात्रों के लिए कंप्यूटर का सैंपल पेपर डाल चुका हूँ, तो जो छात्र हिंदी मीडियम में है वो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपसे कितने प्रश्न इस पेपर में पूछे जाएंगे और कितनी आपको छूट दी जाएगी और कौन सा प्रश्न जो है वो कितने अंक का होगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका जो सिलेबस है वो भी मैं चैनल पर डाल चुका हूँ, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें आप एक बार जरूर भी देख भी लें, क्योंकि उसमें आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर का सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि पेपर आपका कैसा रहेगा। देख सकते हैं, इंटरमीडिएट एग्जाम मॉडल क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर, ठीक है। आपका जो समय होगा वो 3 hours 15 मिनट्स और मैक्सिमम हमारा आपका 60, ठीक है। तो 40 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। दे रखा है फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर, कहने का शुरू के जो आपके 15 मिनट हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें क्वेश्चन नंबर पहले में आपको 5 बहुविकल्पीय दे रखे होंगे जो एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। तो 5 बहुविकल्पीय देख लेते हैं आपके कौन कौन से बहुविकल्पीय हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक ही बात करें, फर्स्ट का एक ही, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, CPU और ऑनलाइन हेल्प, ठीक है। तो आपका जो आंसर आपका सही है उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी, देयर आर टोटल 3 कंडीशन इन ए प्रोग्राम, व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूल्स इन द डिसीजन है टेबल टू द मेड फॉर द प्रोग्राम, ठीक है। तो आप इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3, 6, 8 एंड 12, जो आप आंसर आप जो ऑप्शन सही हो उसे अपनी कॉपी पर लिखें। क्वेश्चन नंबर सी, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू द क्रिएट वेब पेजेस, ठीक है। तो आपकी 4 लैंग्वेज दे रखी है यहाँ पे, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, HTML, HLL, C++ और वर्ड स्टार, ठीक है। जो ऑप्शन आपको सही हो उसे अपनी कॉपी पर लिखें। क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, हु डेवलप्ड द C++ लैंग्वेज, तो आपके 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपका सही हो उसे अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर ई, DBMS इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डाटा स्टोरेज आपका दे रखा है, सेकंड आपका रिसीविंग डाटा फ्रॉम डाटाबेस, उसका सिक्योरिटी ऑफ द डाटाबेस, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन इसमें सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है और एक एक नंबर के इसमें से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और छूट इसमें कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब 5 और 5 प्रश्न में आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन प्रोग्राम, ठीक है। बी आपका वेयर इज HTML टैग रिटेन, ठीक है। उसके बाद आपका सी, विच ऑब्जेक्ट्स आर डिक्लेयर्ड इन ए क्लास C++। उसके बाद आपका डी, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द हेडर फाइल। उसके बाद आपका ई, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर गेम, ठीक है। ये भी आपके एक एक नंबर के 5 प्रश्न है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3, तो इससे आप इसमें भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी आपको कोई भी छूट नहीं है और 2 नंबर का एक प्रश्न है आपका, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गिव एन एग्जाम्पल, 2 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर बी, वर्ड इज ए करेक्टर सेट, ठीक है। उसके बाद गिव एन एग्जाम्पल, ये भी आपका 2 नंबर का। वर्ड आर कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, वर्ड आर वेज एंड ड्राइव्ड क्लासेस, ये भी आपका 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, राइट 2 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ फिशियोडो कोड टेक्निक्स, ठीक है। ये भी आपका 2 नंबर। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4, तो ये भी आप इसमें भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी आपको कोई छूट नहीं है, ठीक है। और 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, कहने का मतलब ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। तो देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, आपका 3। उसके बाद भी बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय वेब पेज एंड वेबसाइट, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ डिसीजन टेबल, इसके अभी आपका क्वेश्चन, ये भी आपका 3 नंबर का। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर डी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड व्हाइल लूप्स, ये भी 3 नंबर का। नेक्स्ट आपका ई, व्हाट आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ये भी आपका 3 नंबर का है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 8 प्रश्न दे रखे होंगे और आपको केवल 5 प्रश्न इसमें से करने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 5 अंक का होगा, कहने का मतलब 25 नंबर का ये वाला क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब 8 में से आपको केवल 5 ही प्रश्न आपको करने हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए। ए नंबर है, व्हाट आर सॉफ्टवेयर्स, एक्सप्लेन इट्स मेन टाइप्स विद एग्जांपल,
ठीक है, पांच नंबर का ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर बी, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये भी आप वहां से आपका। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज एरे, व्हाट आर द मेन टाइप्स, हाउ इज एन एरे डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर डी, हाउ कैन द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन ए वेब पेज एक्सप्लेन, इमेज और सेकंड है बुलेट एंड नंबर, ठीक है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट इज ए फ्लो चार्ट, व्हिच सिंबल्स आर यूज्ड इन इट, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर आउट ऑफ थ्री नंबर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर पांच है। बात करें क्वेश्चन नंबर एफ, मतलब छठे क्वेश्चन की, राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस यूजिंग फॉर एंड व्हाइल लूप फॉर टेबल्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर जी की, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाई डू वी नीड डेटाबेस, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, ये भी पांच अंक का। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर एच, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक कॉमा प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ ए क्लास, उसका हु कैन एक्सेस देम, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पांच, जिसमें से आपको आठ में से पांच प्रश्न करने होंगे और आपका पांच नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, तो ये 25 अंक का ये हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का 12th क्लास के कंप्यूटर का सैंपल पेपर, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक का कौन कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।